तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा ये घर और इस घर में रखी हर चीज मेरी क्लास की ही नहीं है। तुम लोग ना बहुत नीचे लेवल के लोग हो। आई वंडर मैंने तुम्हें पसंद भी कैसे कर लिया। एक बात गौर से मेरी सुन लो, मेरे जीते जी तुम ये घर नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझसे पहले मर गई तो बाहर लॉन में मैं तुम्हारी खबर बनाऊंगा। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम जीते जी भी इस घर में रहोगी और मरने के बाद भी। समझ गई तुम? तुम्हारे पास इनकार के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझता, पर अगर अब आप लोगों ने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं अगली फ्लाइट पकड़ के लंदन चला जाऊंगा। बाबा बक के घर वालों को कह चुके हैं कि तुम शादी के लिए राजी हो, और जहां तक मैं जानती हूँ बाप ने भी हाँ कह दी है। कल उसके घरवाले भी हाँ कह देंगे। अब आगे तुम्हारी मर्जी। इतना जलील होना था हो लिया, शराफत का जमाना ही नहीं। कोई ताज्जुब नहीं है, सुबह सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसा था। किफायत, जो कुछ भी करना है बहुत खामोशी से करना है, किसी को कानो। तुम इस वक्त इतनी देर से रात को कहां से आ रही हो? बस बस, मुझ पर ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं। अंदर बैठा हुआ है मेरा शौहर, उसको जवाब दे दूंगी। बताएं आप कहां जा रहे हैं? तुम्हें भी ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठी हुई मेरी चुड़ैल मुझसे जवाब लेने के लिए। एक तो आप बात बात पर नाराज हो जाते हैं, औरतों को जब कुछ समझ में ना आए तो वो शॉपिंग के लिए जाती हैं। खाली थैले मनपसंद चीजों से जब भर कर घर लाती है तो थोड़ा बहुत भारी दिल खाली हो जाता है। अच्छा बताए कहाँ जा रहे हैं? वो मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरा सारा खर्चा उठाती हो। एटलीस्ट फोन का बिल तो मुझे पे करने दिया करो। तुमसे कहा था मेरी इससे जान छुड़वाते, तुम इसे मेरे घर ले आए क्या? क्यों? क्योंकि ये मेरी जिंदगी, मेरा करियर है। मेरे ससुर ने मुझे जॉब दिलाई है, पैसे दिए, घर और कारोबार भी दे रहे हैं, और उसकी ना एक ही बेटी है। मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो होगा। तुमसे शादी करके मुझे मिलता ही क्या? तुम्हारे बाप की कर्ज में डूबी एक फैक्ट्री। इतने बेवकूफ तो नहीं हो तुम? क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे बात नहीं करनी? तुम रखो अपनी जरूरी बात अपने पास। मैं कह रही हूं मुझे बात नहीं करनी, और तुम्हें लगता है कि मैं छत पर आऊंगी? करते रहो इंतजार, मैं नहीं आ रही। I'm sorry, कोई रिवाइंड का बटन नहीं है?
जिसे दबाया और सब किया कराया मिट जाए और फिर सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाए। जेब में रखो अपना सॉरी। I know, आप सही कह रही हैं। सही तो मैं काफी टाइम से कह रही थी, मगर तुम्हें समझने में देर हो गई। वक्त मैं सुबह से ये सुन रहा हूँ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की। तमाशा बना हुआ है सुबह से, मुझे एहसास है कि मैंने क्या किया। सबको ये नजर तो आता है कि मेरी वजह से क्या हुआ, लेकिन किसी को यह नजर नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ। और मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई मेरे साथ हमदर्दी करे, लेकिन मुझे तुम्हारी ये दुख भरी दास्तां सुनने का कोई शौक नहीं है। जो कहना जल्दी कहो। शर्मिंदा हूं मैं आपसे, मुजरिम हूं आपका। आप शायद ठीक कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो किसी और तरीके से हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत गलत तरीके से किया ये सब। आप ये भी सही कहती हैं कि मेरा किया किराया मिट नहीं सकता, लेकिन इसकी सजा आपको क्यों मिले? इसलिए आप किसी के दबाव में आके शादी के लिए हाँ मत कहिएगा। मैं जानता हूँ आप ये शादी नहीं करना चाहती हैं। शादी तो मैं पहले भी नहीं करना चाहती थी तुमसे, तब भी हाँ की थी। अब भी शादी नहीं करना चाहती तुमसे, और अब भी हाँ की है। क्या करूँ, बचपन से ऐसी पली बड़ी हूँ। माँ बाप, रिश्ते, नाते, इन सब की वैल्यू इतनी कूट कूट कर भरी गई है कि अब कोई भी आके ब्लैकमेल करे और मैं मान जाती हूँ। तो आपको जरूरत नहीं है ब्लैकमेल होने की? कोशिश की थी मैंने ब्लैकमेल ना होने की, घर से भी भागी थी, मगर वो तुमसे भी बड़ा कमी। लैंग्वेज प्लीज। इसीलिए आधे अल्फाज में रोक लिया मैंने, मगर तुम फिक्र नहीं करो, दिल में भर भर के गालियां दे रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं गालियां सुनने नहीं आया हूँ। तो तुम्हें छत पर आने की दावत किसने दी? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी फैमिली को जितना नुकसान पहुंच सकता था पहुंच चुका है, अब मैं मजीद इस्तेमाल नहीं होंगी। अगर मेरे सूली चढ़ने पर मेरे घर वालों को खुशी मिलती है तो मैं वो भी कर लूंगी, और वैसे भी मुझे जिंदा रहने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और इसके जिम्मेदार भी तुम होगे। इसे तुम्हें जो करना है तुम खुद करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और आइंदा के बाद मुझसे कोई बात मत करना। आई समझ? मैंने भक्त से बात की है, उसे कोई एतराज नहीं है। अम्मा का भी यही ख्याल है, मुझे भी यही ठीक लगता है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कोई फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं किया। तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। भाई साहब, जाहिर है जो सबकी राय है वही मेरी राय है। शुक्र है खुदा का, वक्त भी बहुत खुश है, और अब तो अजहर ने भी हाँ कर दी है। बस आप फौरन जुबैर भाई को फोन करें, कल से जो टेंशन हुई हुई है वो खत्म हो जाए। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। अजहर कैसी बात है, तुम तूबा और मुनज़्ज़ा मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरे लिए बख्त है। मैंने जब जब भी जो जी में आया मैंने तुम लोगों के लिए फैसला किया, और तुमने भी कभी कोई एतराज नहीं किया। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूं, तो बात बात पर एतराज हो रहा है। ऐसा क्यों आजर? मैं शर्मिंदा हूं बड़े भैया, बस गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए, लोगों की बातों में आ जाता हूं। घर में ऐसी बातें क्यों हो रही है अजहर? अब नहीं होंगी भाई साहब, कोई नहीं करेगा, और बख्त की शादी होगी और मेराब के साथ ही होगी। अजहर, मैंने फैसला किया है, मैं तूबा को खुद जाके मनाऊंगी, और अगर मुझे माफी भी मांगनी पड़ी ना तो मांग लूंगी। अब इस घर में कोई एक दूसरे से नाराज नहीं होगा। भाभी, मैं आपसे भी माफी मांगता हूं, मेरे रवैये की वजह से आपको भी बहुत तकलीफ पहुंची है, मुझे माफ कर दीजिएगा। एक साथ रखे हुए बर्तन भी आपस में टकराते हैं। कोई बात नहीं असर, साथ रहेंगे तो ऐसी बातें तो होंगी ना।
मतलब शादी नहीं टूटी, मतलब यहाँ से कोई नहीं जा रहा? क्या फर्क पड़ता है, जाए ना जाए, शादी हो ना हो। ओहो, हमें सब पता है रात की मुलाकातों का, ज्यादा बनो मत। और आप ही, समरीन के जाने के बाद तो मेरा पूरा आपका हुआ, थोड़ा सा सबक सिखाने के बाद माफ कर दिएगा उसे? तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे फ्यूचर से ही तो जुड़ा है। मेरा फ्यूचर काले कुएं में गिर चुका है, बेहतर होगा अपने फ्यूचर के साथ मत जोड़ो। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, फिलहाल तो यहाँ से जा रही हूँ। सायमा कराची में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसे कुछ करो ना, हम लोग परसों जा रहे हैं। पता नहीं अम्मा अब्बा को क्या हो गया, मैं शादी छोड़कर आ गया हूँ, नाराज हूँ, तो मना ही नहीं रहा मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ तो हल निकालते हैं इस बात। अच्छा, तो मेरा फोन काट रही हो? बक, तुम यहाँ? जी हाँ, मैं यही इसी शहर में रहती हूँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वो ज्यादा बकरी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ क्या से क्या हुआ है? पता है मुझे, लेकिन मेरी बात भी तो समझो ना तुम। जानती हो मतलब, तुम घर में किसी और से भी कॉन्टेक्ट में हो? हाँ नहीं, वो मेरा मतलब है, I don't believe this. मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। मेरी जिंदगी का इतना मुश्किल दौर चल रहा है और तुम जानबूझकर मुझसे छुपती फिर रही हो, मगर हाँ ऐसे से मिलने के तरीके हैं। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, एक दो काम है मुझे ना, तो हम बाद में फोन पे बात करते हैं। नहीं, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। हाँ सही है, ओके। बक्स, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, प्लीज समझाओ, वैसे भी मुझे घर जाने की जल्दी नहीं है। कहीं बैठ कर बात कर ले, मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अम्मी ने मना किया था किसी से भी बात करने की। अम्मी ने तो मैं सबसे बात करने से मना किया था, अगर तुम तो मेरे से बात कर रही हो, और जाहिर सी बात है क्यों नहीं करोगी, वहां मतलब तो जुड़ा है तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैं बीनेश से बात कर रही थी। बस रहने दो, तुमने सुना बीनेश से बात कर रही हो ना, उसमें तुम मुझसे भी कर सकती थी, मगर ऑब्वियसली मैं ऐसे उनकी बहन जो नहीं हूँ। अच्छा चलो जाने दो, गुड न्यूज ये है कि समरीन जा चुकी और मीराब और तुम्हारे बीच में अब कोई रुकावट नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं उसके दिल में कभी थी नहीं और अब वो मेरे दिल से उतर चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि समरीन ने मीराब को छोड़ने से पहले मेरी नजरों में इतना नीचे गिरा दिया है कि मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं उसको हाथ देकर अपने बराबर लाऊं। अच्छा तुम लोग एक दूसरे को दो तीन दिन दो, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम नहीं समझोगी, अभी मेरे और उसके दरमियान जो दरार आ गई है ना, वो अब कभी नहीं जाएगी। मैम योर कॉफी। योर कॉफी मैम। Anything else would you like to order, ma'am? No, thank you. क्या हुआ बाप? कुछ नहीं, चलो यहाँ से। क्या मतलब क्या हुआ? इतनी नफरत करती हो मुझसे? तुम मुझसे बात मत करना, चलो सायमा।
ऐसा क्या हो गया था वहाँ? कौन था वो? तुम प्लीज आहिस्ता गाड़ी चला सकती? मुझे ना जिंदा रहने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन नजर आ गया था जिसकी वजह से मरने की इतनी जल्दी हो गई है तुम्हें? हुनैन। कौन हुनैन? ये वो है? ये वही है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था और उसने मेरे साथ टाइम पास किया। नफरत है मुझे उससे, और उससे ज्यादा खुद से, कि मैंने ऐसे इंसान से मोहब्बत की थी। पैसों के पीछे तो मेरी बोटियां काट के भी बेच देता वो। ये सब एक जैसे होते हैं सलमा, दिखने में अलग मगर फिक्रत मतलब ही। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। तुमने तो कहा था कि वो किसी बहुत अमीर लड़की से शादी कर रहा है इसलिए तुझे छोड़ा था, तो फिर एक मामूली से कैफे में वेटर क्यों लगा हुआ था? क्या हुआ? तुम सही कह रही हो, उसने मुझे किसी पैसे वाली लड़की के लिए छोड़ा था, मगर फिर वो इतने छोटे से कैफे में वेटर क्यों बना हुआ है? हर दफा दूर कर तुझे क्या? देख अम्मी बार बार कॉल करें, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दे। बा, हम हुनैन के मौसी मुस्तकबिल पे बाद में रोशनी डालें। देख अम्मी कॉल कर रही है, प्लीज मुझे घर छोड़ दे। सीधा सीधा बता क्यों नहीं रहे, कहाँ गए थे रात को? बताया तो एक दोस्त के पास गया था। क्या मुझे इतनी आजादी नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकूं? तुम्हें नहीं है क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। अब फौरन बता दो कि सारी रात कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे। हाँ जानता हूँ सबके सब कितने लायक हैं। ये जो बेइज्जती भरी शादी हो रही है इससे अंदाजा हो रहा है कि कितना लायक खानदान है। किसी और खानदान में ऐसी बातों पे खून खराबे हो जाते, और ये ऊंची नाक वाले उसी घर में अपनी बेटी दे रहे हैं। गैस वैसे ही नहीं आ रही। जब तक कोयला लाकर मैं तुम्हारी ज़बान पे रख दूँगी। तंग आ गया मैं इन बातों से, कसम से मेरा जी चाह रहा है छत पर जाकर कूद के खुदकुशी कर लूँ। तुम इतने गैरतमंद पैदा ही नहीं हुए थे कि खुद जाकर अपनी जान दे दो। मैं अंदर आ सकती हूँ? आपका घर है, हम मेहमान हैं, इजाजत की क्या जरूरत है? मैं माफी मांगने आई हूँ। तुबा माफी और मुझसे मांगने आई है? कमाल है, इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है? हैरत ना होती अगर आप ये ना कहती कि आपका बस चलता तो मेरी शादी के खाने में आप जहर मिला देती। हाँ कहा था क्योंकि मेरा दिल दुखा था। सायका मेरी एक ही बहन है और मैं अभी भी यही कहती हूँ, तुम ये बात उससे अकेले में भी कर सकती थी। अगर आपकी एक बहन है तो मेरा भी एक ही बेटा है, और सायमा ने उसका इतना दिमाग खराब कर दिया कि वो नाराज होकर जाकर घर बैठ गया। तुम्हें ये तो पता है ना कैसन घर पर है। साइमा और साइकर से तो मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, और घर में जो परेशानी चल रही है वो तो तुमसे नहीं छुपी हुई ना। भाभी मुझे कोई शौक नहीं है घर में परेशानी बढ़ाने का। बड़े भैया की परेशानी की जितनी तकलीफ आपको होती है वैसे ही मुझे भी होती है, लेकिन कभी कभी आपकी बातें दिल में तीर की तरह लगती हैं। अपने अब्बा का घर समझ कर आते हैं हम, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अपनी सौतेली माँ के घर आ गई। अच्छा मैं कोशिश करूंगी आइंदा तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस ना हो। अगर आप अपना रवैया बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं भी करूंगी। कोशिश करूंगी कि घर में मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। और आपका शादी का घर अगर आप सायका को वापस बुलाना चाहती हैं तो बुला लें, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सायमा को ऐसा से दूर रखिएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपना मुंह ठीक कर। हसन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? पहले ही बहुत मसले हो चुके हैं, पता नहीं मुझे। हाँ भाई हो रही होगी शादी, तुम हमारे बारे में सोचो ना। कब करोगे कुछ? परसों ना हम लोग जा रहे हैं। अच्छा मेरे बात करने से क्या होगा, तुम जाकर ना अपनी अम्मी को राजी करो। हमारा कोई इरादा नहीं है खाला के घर वापस
ये तो मुझे कहाँ ले आई है? कहाँ ले? ओ मेरी माँ, ये तेरा घर है, यहाँ से निकलो, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अगर उसने पैसों वाली लड़की से शादी कर ली है तो फिर वो वहाँ वेटर क्यों बना हुआ था? तेरी तरफ से वो वेटर बने या बंदर बने, तुझे इससे क्या? यहाँ से निकल प्लीज। अभी सिर्फ मॉल जाना है ना? हाँ बेटा, करीब में टेलर के पास जाना है, और तो कहीं नहीं जाना। बड़ी अम्मी, तो बहुत अच्छा हुआ कि बख्त आपी की शादी मेरा आप भाई से हो रही है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। बस बेटा दुआ करो कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। अनिफी बेटा, मैं पीको वाला दुपट्टा ऊपर ही भूल आई, जो मेरे जान लेकर। हाँ, मैं लेकर। सोच कह रही हो, चलो मुझे वहाँ जाना है। और भी कुछ याद कर लो, बार बार बाजार नहीं जाया जाता, मेहमान आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और अपने सूट के हर कलर की चूड़ियाँ भी देख लो। बड़ी अम्मी ये ले। लाओ बेटा जल्दी से। मगर क्यों? मैं जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? तो खाला, अस्सलाम वालेकुम। तुम कराची में हो तो तुम्हारी माँ कहाँ है? वो अम्मी, खाला दरअसल बात। गाड़ी में बैठो, बाकी बातें बाद में होंगी। चलो गाड़ी में। खाला बात तो सुने। मैंने कहा ना आके बैठो। तुम दोनों को कैसे आ रही? अरे क्या सोच रही हो, चलो बैठो गाड़ी में। क्या बताता बख्त, ये कि अब्बा का इलाज करवाने पैसे दे दो, या फिर ये कि हमारे पास है ना वो घर नहीं, अपने घर में जगह दे दो, या कोई नौकरी दिलवा दो। कब तक इंतजार करती, कितने रिश्ते ठुकराती तुम, और किस मुंह से आता मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारे घर वालों से। इधर से लेफ्ट कर लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सायका ऐसा भी कर सकती है। इस शहर में रहते हुए वो मुझे कैसे नजरअंदाज कर सकती है? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ था ना उसके बाद अम्मी के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। हम लोग तो जा रहे थे लेकिन एंड टाइम पे ट्रेन ही कैंसिल हो गई। वो तो फिर अम्मी की फ्रेंड ने हमें रोक लिया, लेकिन यकीन माने हम लोग परसों जा रहे हैं इसलिए किसी को नहीं बताया था। जो भी हो ये तो कोई बात ना हो। अरे नाराज होने के भी कुछ असूल होते हैं, और ये क्या बात हुई, कोई रابطہ ही नहीं रखना, और वो भी ऐसे मौके पर जब बख्त की शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए। सही बात है मामी। खाला प्लीज आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा वरना मम्मी बहुत नाराज होंगी। कोई नहीं हो रही तुम्हारी माँ नाराज, मैं खुद उससे बात करूंगी। आज ही तुम लोग मेरे साथ वापिस चलोगे। बस बिल्कुल सही बात है बड़ी मम्मी। बस बस ये राइट पे रोक दो, आगे घर। तुम नहीं आ रही हो? नहीं मुझे कुछ काम है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। चलो तुम तीनों आओ मेरे साथ। जी बड़ी जी। तुम फिर वहीं जा रही हो? कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही, चलो। एक्सक्यूज मी। जी मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ पर कोई हुनैन नाम का लड़का काम करता है ना? जी बिल्कुल करता है, मगर उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। यहाँ पर वेटर्स की सैलरी कितनी होती है? 8-10 हज़ार टिप अलग, बट हुनैन यहाँ वेटर नहीं मैनेजर है। अभी वो घर जा चुका है, फर्स्ट शिफ्ट में वो काम करता है, सेकेंड में मैं।
अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं मुझे। नहीं मैं खुद उससे मिलूंगी। थैंक यू। ऐसे तो कोई होटल से भी सामान उठाकर नहीं जाता जैसे तुम घर से सामान लेकर गई हो। ना ही कोई फोन, ना ही कोई रापता। ये तो अच्छा हुआ साइमा मुझे घर के बाहर मिल गई, वरना मैं तो कुछ दिनों में शादी के सारे हंगामे वगैरह छोड़कर तुम्हें फैसलाबाद लेने पहुंच जाती। मैंने साइमा को मना किया था। खबरदार, जो तुमने साइमा को एक लफ्ज भी कहा वो तुमसे ज्यादा समझदार है। चुपचाप अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। प्लीज अमरीन, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारी परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहती। अरे कोई परेशानी वरशानी नहीं है, तूबा की तो आदत है बात का पतंगड़ बनाने की। देखो अगर बात मेरी होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा है ही कौन? तूबा तो उस घर में हक से रहती है ना, उसके भाई का घर है। तुम तो जानती हो कि बेटियों का मामला कितना नाजुक होता है। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। कोई तुम्हारी बेटी पे उंगली नहीं उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जैसे तूबा हक समझ कर आती है ना, तुम भी हक समझ कर मेरे साथ उस घर में चलो। तुम्हारी बहन का घर है, और वैसे भी तूबा से मैंने बात कर ली है। रही बात एहसन और साइमा की, ये वक्त पे छोड़ दो, वही बेहतर फैसला करेगा। लेकिन तुम एक बात बताओ, एहसन बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल अपने माँ बाप से अलग थलग। एहसन अच्छा है या बुरा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगी। और मेरी साइमा से बात हो चुकी है, उसके दिल में भी ऐसा कोई ख्याल नहीं है। ख्याल नहीं है तो अच्छी बात है, वैसे एहसन घर पे है भी नहीं है। तुम अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ घर। खाम खा से फिर कोई नया तनाजा खड़ा हो जाएगा। बात बात पे तुम कहती हो ना कि मेरा कोई नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी बहन, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगर आज तुम वक्त की शादी में मेरे साथ घर नहीं गई ना, तो मैं समझू कि मेरा कोई भी नहीं है, बस सब मर गए मेरे लिए। ओह, मुझे क्या पता था कि बड़ी अम्मी हमें यहाँ ले आएंगी। और तुम मॉल में बैठो ना, कौन सा कोई सड़क पे खड़े हो। इंतजार करो, आ रही हूँ मैं। तुम्हारा दोस्त ऐसा है नहीं जिसके साथ हमदर्दी की जाए, वो शादी तक कमरे में सोग मनाता रहेगा, तो तुम भी कमरे में रहोगे। 15 मिनट में मॉल पहुंचो। मुझे क्या पता कि क्या होने वाला है, मुझे तो अपनी जान की पड़ी है, अम्मी बहुत नाराज होंगी। वक्त तो है ही पागल, और मैं भी तुम्हारे साथ बातों में ऐसा लगी कि रास्ता ही भूल गई। और क्या? जी 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 परवीन आंटी, नहीं हम एक दो दिन में आ जाएंगे। नहीं मुझे क्यों मसला होगा आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने से। जी अम्मी भी बिल्कुल ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। किससे बात कर रही थी अम्मी? वो परवीन आंटी थी, हमारी गली में नहीं रहती, जिन्होंने अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा था, वही थी। नहीं यकीन है तो ले ले, चेक चेक कर ले आप। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अपना सामान पैक करो, हम खाला के घर जा रहे हैं। जी जी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो यहाँ आने की? मैं? चली जाओ यहाँ से, तुमने कुछ छोड़ा भी है हमारे लिए? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया हमारा। मैंने? हाँ हाँ तुमने। मैं कहती हूँ चली जाओ, नजर से दूर हो जाओ मेरी। पप्पा आप अंदर जाएं, मैं बात करता हूँ, प्लीज। तुम्हारी पप्पा वो ये क्यों कह रही थी कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है? कहीं बैठ कर बात करें अगर तुम्हें गवारा हो तो। बैठ कर क्यों? ये कुछ दिन मेरी जिंदगी के बहुत लंबे साल थे, टाइम लगेगा सुनाने में, अगर तुम सुनना चाहो तो।
कितने दिन और सोग मनाओगे? कितने दिन मनाने से भूला जा सकता है? बस कर दो बेटा, क्यों खुद को तकलीफ दे रही? अमी कोई खुद को अपनी मर्जी से तकलीफ नहीं देना चाहता ना। मेरा यकीन करें आप, मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन बार बार उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, बार बार उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। कोई थोड़े उससे की बात तो नहीं थी ना, 2 साल से पसंद करते थे एक दूसरे को, शादी करनी थी हमने पाकिस्तान आके, उसने 2 साल को 2 मिनट में खत्म कर दिया। कोई ऐसे भला कैसे कर सकता है? जख्म जितना कुरेदोगे ना, जख्म उतना गहरा होगा, आराम नहीं आएगा बेटा। जो लड़की 2 साल का रिश्ता 2 मिनट में खत्म करके जा सकती है, वो शादी के बाद कुछ अरसा गुजारने के बाद 1 मिनट में भी ये रिश्ता खत्म कर सकती थी। तुम ऐसी लड़की के लिए खुद को क्यों जला रहे हो बेटा? मेरा जलना मेरे बस में नहीं है, हर चीज से जल रहा हूं मैं। आपको पता मुझे क्या लगता? मुझे लगता है अब मैं किसी को भी खुश देखूंगा ना, मैं उससे भी जलना शुरू हो जाऊंगा, और इसीलिए अपने कमरे से बाहर नहीं जा रहा मैं। नहीं मेरे बेटा, अल्लाह ना करे तुम किसी से जलो, तुम देखना तुम वक्त के साथ बहुत खुश रहोगे। चलो उठो शाबा, फ्रेश हो जाओ, हम सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अम्मी मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज ये शादी मेरे ऊपर मत थोपे, प्लीज। ठीक है, हम बात करते हैं ना बेटा, तुम नीचे आओ, ठीक है? तुम्हें ये तो नजर आ रहा था कि वहां मैं बैठा निकाह कर रहा था, मगर तुमने इतना भी नहीं सोचा कि जो शख्स तुमसे इतनी मोहब्बत करता था वो एक पल में इतना क्यों बदल गया? तुम्हें निकाह करते हुए देखकर भी कुछ बचा था सोचने लायक? तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर क्यों नहीं भेजता। जब भी तुम्हारा कोई रिश्ता आता तो बहाना बनाकर तुम्हें लड़का भगाने का कह देता था, इस उम्मीद से कि शायद शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद कोई नौकरी लग जाए। शर्म आती थी मुझे तुमसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर और उन्हीं को बेचकर अपने घर की जरूरियात पूरी करने में। क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, और मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। निकाह जो कर रहे थे तुम, कुछ और कैसे करते तुम मेरे लिए? वक्त वक्त जब इंसान गरीब होता है ना, तो मुसीबत उसके घर वो मेहमान बनकर आती है जो खुद तो नहीं जाती, मगर उस गरीब इंसान को उस घर से जरूर निकालते थे। तुम ये तो जानती थी कि जिस घर में हम रहते हैं वो अब्बा को फैक्ट्री से मिला, मगर तुम ये नहीं जानती कि अब्बा को कुछ अर्सा पहले ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। क्या? हाँ, और जब फैक्ट्री के ओनर शमशीर साहब को ये बात पता चली तो बरसों से उनके अकाउंट संभालने वाले अब्बा उनको बोझ लगने लगे। चंद हजार देखकर अब्बा को घर भेज दिया, पर कुछ ही दिनों बाद घर खाली करने का नोटिस आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन शमशीर साहब खुद घर आ गए और आकर अब्बा से कहा कि अगर मैं उनकी गूंगी बहरी बेटी से शादी करूंगा तो अब्बा का इलाज भी करवाएंगे, हमें उस घर में भी रहने देंगे और मुझे अपनी फैक्ट्री में एक अच्छी पोजिशन भी दे दें। मुझे फैसले के लिए दिन नहीं, चंद घंटे दिए गए। मुझे बता सकते थे उन्हें। क्या बताता वक्त? ये कि अब्बा का इलाज करवाने पैसे दे दो, या फिर ये कि हमारे पास है ना वो घर नहीं, अपने घर में जगह दे दो, या कोई नौकरी दिलवा दो। कब तक इंतजार करती, कितने रिश्ते ठुकराती तुम, और किस मुंह से आता मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारे घर वालों से? तुमने मुझे मेराब से मिलवाया था ना, तो मुझे ये तसल्ली हो गई थी कि मेरी बख्ती उस इंसान से शादी हो रही है जो उसके काबिल है। तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि तुम्हें अपने साथ बर्बाद होता देखने के बजाय तुम्हें किसी और के साथ खुश देखना चाहता था। बताया था मैंने मेरा आपको, मेरा भी सब जानता था। हाँ,
बताया था मैंने मेरा आपको, और मैंने उसे मना किया था कि वो तुम्हें मेरे पास लेकर ना आए, मगर वो तो ले आया। उसके बाद जिस मकसद के लिए मैंने खुद को मारकर तुम्हें मेराब को सौंपा था, वो तुम्हें ना बताकर उसने तो बर्बाद कर दिया। तो भाई और शमशीर साहब अपनी बेटी को लेकर चले गए, अम्मा के जो थोड़े बहुत जेवरात थे वो भी बिक गए, मगर क्या फायदा, मामूली सी नौकरी से क्या होगा। अब्बा की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, हमें घर से निकाला जा रहा है। तारो तुम्हें बा, अब्बा नहीं बचेंगे, अब्बा नहीं बचेंगे। दाढ़ी वाड़ी बन चुकी है, बालों में ब्रश हो रहा है, न्यू मिशन के लिए रेडी। जिंदगी में ना कभी सीरियस भी हो जाते हैं। अरे क्यों हो जाते हैं सीरियस, जान बची लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, कुछले सेहत तो कर चुके, समझो बीमारी से जान छुटी है। एक नाकाबले बर्दाश्त आदमी है, अगर बचपन की दोस्ती का लिहाज ना होता ना, कब का तुझे जाने का कह चुका होता मैं। तो तुझे लगता है तू जाने का कहता और मैं चला जाता है? जैसे मुझे तेरा तो नहीं पता, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ, इसलिए कोई भी कारनामा अंजाम देने से पहले मेरे बारे में सोच लेना प्लीज। मेरा बख्त अच्छी लड़की है। हाँ तो बुरा कहा भी नहीं था मैंने। अच्छी बात है, ऑल गुड। शादी के लिए रेडी हो? नथिंग इज गुड, जिंदगी प्रेशर कुकर टाइप हुई हुई है, सीटी बज चुकी है, और अगर अब थोड़ी देर और बकाई ना तो फट पड़ेगी। भाई असल में दिल की चोट का असर थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग पे भी हुआ, लेकिन परेशान मत हो, नीचे अंकल आंटी ऐसा इलाज करेंगे ना कि सेट हो जाओगे। तो आओ साइका। आज तेरी खैर, ये इसलिए मॉल नहीं आई थी क्या? साइमा और उसकी मम्मी घर वापस आ गए, मतलब बक के घर का माहौल बेहतर हो गया, शादी से इन फुल स्विंग। हेलो अभी अभी आप मेरी बात तो सुन। हेलो वक्त का फोन था यार, अभी मिलने का कह रही है, बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन अब क्या किया मैंने। भाई टेंशन ना लो, दो तीन गिले शिकवे होंगे, थोड़ी शिकायतें होंगी, थोड़ा मनाना होगा, फिर सब सेट। यही आदत होती है लड़कियों की, माहौल बन चुका है, हम भी खुश, तुम भी खुश, सब खुश। और बात रही समरीन की, तो नाकाम मोहब्बत का गम पानी के बुलबुले की तरह होता है, थोड़ी देर फूलता फैलाता है फिर खत्म हो जाता है। डोंट वरी, चलो बख्त भाभी बुला रही हैं, चलो 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 चलो। काफी बार तुम्हारा नंबर डायल करके काट दिया करता था, दिल करता था तुम्हें सब बताऊं, तुमसे सॉरी कहूं, ना चाहकर भी खुद ब खुद रोज रात पे तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ा हो जाता था, को दुल्हन की तरह सजा देखकर रोता था, तुम्हारे लिए खुश भी होता था। पता है दुनिया गम मोहब्बत के गम को खा जाता है, अब्बा कैंसर, छोटी की शादी और घर, ये सब मिलकर रुला देते। कितने पैसे लगेंगे अंकल के इलाज में? अम्मी के जेवरात बेचकर कुल 3 लाख रुपए मिले थे, पिछले हफ्ते सारे खर्च हो गए, तुम खुद अंदाजा लगाओ कितने पैसे लगते होंगे। हम तो हारे बस तेरे ही आगे थे।
तेरी अदा पे यूं साथ जो तेरा मिल जाए खुशियां सभी मुझको मिल जाए मैं तो बस चाहूं।